गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है, आप लोगों को हमने पहले अबैंडन गाड़ियां तो बहुत ज्यादा दिखाई हैं, कार्स बहुत ज्यादा, फरारी से लेके लैम्बोर्गिनी से लेके सब गाड़ियां हम आपको अबैंडन दिखा चुके हैं। लेकिन यहां पे आज हम क्या दिखाने जा रहे हैं अदनान, जरा एरोप्लेन और ये अबैंडन सीरीज का एक और वन ऑफ आवर काइंड एपिसोड होगा जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आज जो है ना रशियन एयरक्राफ्ट की यहाँ पे उमुल क्वीन में यहाँ पे अबैंडन है, तो लेफ्ट जाना यहाँ से, तो उधर हम लोग जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि सिर्फ गाड़ियां नहीं, यहाँ पे पूरे के पूरे प्लेन भी अबैंडन खड़े हैं। तो चलते हैं वहाँ पे, मजा आएगा। वैसे कार्गो एयरप्लेन है वो, आपको पता है जी, रशियन कार्गो है, 1990s का है और कोई डिस्प्यूट है, एयरफील्ड पे ही खड़ा हुआ है, सुना है कि 40 साल से तकरीबन यहाँ पे खड़ा हुआ है, और जिस एयरबेस पे खड़ा है और वो भी जो है ना बंद हो चुकी है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No. Okay, camera. Draw the eyes, go. नहीं है कैमरा, नहीं है। उमुल क्वीन, और उमुल क्वीन में आपको ज़्यादातर यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, डेजर्ट मिलेगा देखने को। ये रोड है जहाँ पे हम जा रहे हैं मेन, और ये डेजर्ट है सारा। गाड़ी है, ये खंबे हैं, ये एडी है, ये बहुत तंग करता है, वो पानी भी है, पानी भी है वहाँ पे। मेरे लिए ये पूरा यू टर्न लिया मैंने। जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं हमें मिलता जा रहा है यहाँ पे, वही क्या मिलता जा रहा है, क्या कर रहा है तू अभी, कौन बोला। और राइट गाइस, तो हम लोग आ गए हैं ये रोड के दूसरी साइड पे, आगे से यू टर्न करके आएंगे, वो खड़ा है बाहुबली और इसके अंदर बाहुबली चढ़ेगा। बाहुबली आप चल जाओगे अंदर इसके जी भाई, ये है जी प्लेन, जाकर देखते हैं फिर वहां से क्या सीन बनता है। और राइट गाइस, तो ये है जहाज, हमने इसका एग्जिट नहीं लिया, गलती से हम लोग जो है ना एग्जिट नहीं ले सके, अब दोबारा जाकर यू टर्न लेके आएंगे। बहुत बड़ा लग रहा है यार, कसम से लेवल है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अंदर, ये है ट्रीज की। और अगर यहाँ पे ये भी प्लेन खड़ा हुआ है, ये भी आगे से कटा हुआ है, तो यूएई का फ्लैग आई गेस बना हुआ है, यूएई के फ्लैग का बना हुआ ना कलर इसके ऊपर सारे प्लेन के। Exactly, yes. तो इसका मतलब उस साइड पे और भी प्लेन काफी सारे खड़े होंगे, और वो है ये सामने। ये इसकी बैक साइड है, बैक से भी लग रहा है जिस तरह बैक से भी उड़ता हो ये जहाज यार, ये बैक पे भी बना हो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं मेरे पीछे है वो जहाज, अभी हम जाके उसको करीब से भी दिखाता हूँ, और अगर जगह हुई तो अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा सारा क्या है सीन है इस जहाज का सारा। तो चलते हैं फिर, लगा नहीं था कि इतना बड़ा होगा, काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है ये जहाज, कार्गो जहाज ना, तो इसलिए जाहिर बात है बड़ा ही होगा। वैसे नॉर्मल जहाज़ों जितना ही है, जिस तरह नॉर्मल दूसरे होता है पैसेंजर के लिए, लेकिन ये जो है ना लग रहा थोड़ा सा बड़ा। लेकिन ये काफी हाइट पे है, पता नहीं अंदर जा सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद इसके टायर देख लें आप, टायर आगे वाले तो ठीक लग रहे हैं कुछ, लेकिन ये नीचे से गला हुआ जहाज सारा। और यहाँ से देखते हैं इसके अंदर क्या हालात चल रहे हैं। ये आपके सामने है, वो लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं कुछ अंदर इसके, और कुछ ये वाले सीन चल रहे हैं।
और पिछले जो है ना टायर वो तो मट्टी के अंदर ही धसे हुए हैं सारे। ये देखें ये हैं कि टायर इसके, ये आधे आधे मट्टी के अंदर गए हुए हैं। ये जैसे पता चल रहा है काफ़ी साल ही हो गए खड़े हुए, और वो टायर जो है ना वैसे ही घसे हुए हैं। ये है जी जहाज़ रस्से ऊपर बांधे हुए हैं इसके, गला हुआ है तकरीबन ये जहाज़। ये पर रहा है इसका, कितना बड़ा पर रहा है जहाज है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है। यहाँ से खुला तो हुआ डोर लेकिन हम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है। और ये इसका जहाँ पे ये व्हील जो है ना बंद होते हैं, ये वो जगह बनी हुई है यहाँ पे इसकी। तो बाहर से ये आपको मैं पूरा इसका राउंड दे देता हूँ एक। पीछे से वहां पे भी इसकी एक विंडो है जो खुली हुई है, और ये जी इसके विंग चेक करें कितने बड़े हैं। कपड़े उन्होंने टांगे हुए, कपड़े पता नहीं सुखाने के लिए टांगे हुए इतनी, वैसे ये हैं ही यहाँ पे ऐसे कपड़े। और जो पीछे से इसका मुंह है सेम ऐसी है जिस तरह यहाँ पे कोई बैठता हो, यानी कि जिस तरह इस साइड से भी फ्लाई करता हो, और बैक साइड से भी काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये जो इसकी साइड है ये नीचे खुलती है, ये जो इसकी साइड है ये खुलती है, और इसके अंदर पे यहाँ से कार्गो का सामान अंदर जाता था, मतलब पहले की बात है, अब नहीं। बैक से इसको देख लेते हैं, कुछ शायद कुछ हमें नज़र आ जाए पीछे से, बैक साइड से इसके ऐसे पता नहीं क्यों बांधे हुए हैं इसको। ये है जी बैक से इसके हालात पीछे से। जहाज खड़ा खड़े जो है ना इसका गल गया, यहाँ से सब कुछ कट रहा है, अंदर से होल हो चुके हैं इसके अंदर, तकरीबन ये हालात चल रहे हैं। रशियन एयरक्राफ्ट है या कार को वहाँ पे अदनान जो है सिनेमैटिक की नाकाम कोशिश करते हुए, सिनेमैटिक शॉर्ट्स लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा जहाज है सही से सिनेमैटिक नहीं आ सकते, ड्रोन होगा तो ठीक आएंगे। तो ये प्लेन है गुड बाय बाय। अरे यार तो लगा तो नहीं, तो हम लोगों ने वीडियो बना लिया, अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक होटल हमने देखा था, बहुत ज़बरदस्त होटल था या क्या चीज़ थी हमें कन्फर्म नहीं है, वहाँ जाके पता चलेगा क्या चीज़ है। तो एडी क्या लगता है मैं क्या चीज़ को यार पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त बन गया है, और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अगर इसको चलते हैं रास्ते में वो देखते हैं, उधर का असल में व्यू बहुत प्यारा है पीछे, आई गेस के उसके बीच है कोई चीज़ है, वो चलते हैं वहाँ पे होटल। लेकिन ये बंद हुआ पड़ा रास्ता है यहाँ से, क्या हो पड़ा ये है जी होटल, देखते हैं क्या चीज़ है। तो ये है वो होटल है या क्या चीज़ है अभी देखते हैं, यहाँ पे हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा बना हुआ है, और इसके अंदर जाके भी देखते हैं क्या चीज़ है। ये जी कुछ तो है, कोई क्लब वगैरह आई गेस किसी चीज़ किसी टाइप का। अच्छा जी ब्रिज है उसके पीछे, देखते हैं यहाँ पे क्या एक्टिविटी होती है। अगर तो ये होटल बना हुआ है, काफ़ी प्यारा व्यू है इसके पीछे, पानी है और ग्रीनरी है, देखते हैं। अदनान जी आ रहा है वो उसको पता ही नहीं मैं पीछे खड़ा हूँ। अदनान इस टाइम पे मेरे से पूछ रहा है कि क्या करने जाना है, क्यों जाना है वहाँ पे, क्यों नहीं जाना। मैं कहा यार मुझे अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, प्यारी जगह लग रही है, तो मैंने देखना क्या चीज़ है क्यों है यार, बस घूमना है मैंने वहाँ पे जाके गर्मी काफ़ी है भागा जा रहा है वो आगे आगे आके यहाँ पे थक के बैठ चुका है और ये यहाँ पे पता नहीं क्या बनाया हुआ है इन्होंने, शायद कुछ बना रहे हों टाउन वगैरह, या फिर कोई नक्शा इन्होंने उमल क्वीन का बनाया हो सारा। ये बिल्डिंग है देखा, आई थिंक इन फ्यूचर बनेंगी ये सारी। देखो ड्रोन व्यू चेक करो गाइस, ये अल्ज़ोरा गोल्फ सेंटर है, और यहाँ पे हमारी छोटी सी मीटिंग है, हम वो करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली निकलेंगे। ये मीटिंग वाला बिल्कुल झूठ है इसका, इधर देखना जरा शक्ल दिखाना अपनी कौन मीटिंग, ये मीटिंग है यहाँ वाओ क्या मीटिंग है आपकी। अच्छा तो ये होती है मीटिंग। ये जो मेरे पीछे है ये अजमान का एरिया है, और इसमें कुछ अजमान फ्री जोन के ऑफिसेज हैं, और कुछ दूसरे कुछ इसमें रेस्टोरेंट भी हैं, गोल्फ क्लब भी है, यानी कि मिक्स है काफ़ी कुछ इसमें। ये सिर्फ मुझे प्यारा लग रहा था बना हुआ, और पीछे से व्यू अच्छा था, मैं सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए रुका था। तो चलते हैं फिर। इसके पीछे गोल्फ क्लब शायद आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पे काफ़ी दूर है यहाँ पे, वो लेके जाते हैं यहाँ से, उधर रास्ता बना हुआ है यहाँ पे, बाकी दरमियान में पानी है कुछ। तो ये हालात हैं यहाँ के। सो वहाँ से हम लोग होलियाँ जा रहे हैं वापस रास्ते में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और बाकी आपको पता ही है सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करना है, जो भी करना कर लो, और इसको भी अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर ही दो। अदनान ब्लॉग्स।
कर दो सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो। इसने कोशिश पूरी की है कि मैं आज वीडियो ना बना सकूं, लेकिन फिर भी चलो कर ही दो इसको सब्सक्राइब। कुछ नहीं कह सकते।